वेलकम अगेन टू शरण्स बायोलॉजी और पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन, उसके एजेंसीज, जितने भी एजेंसीज थे वो हम लोग पढ़ चुके थे, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब आ जाइए, दैट इज कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, या एनसीईआरटी में उसी को टर्म लिखा गया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। रिकॉल द प्रीवियस क्लास, मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आपने कहा था कि चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन में जो उसके संतान होते हैं वो बेटर होते हैं, हेल्दियर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वे डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं। आपने कहा था जर्मिनेशन कैपेसिटी अधिक होती है, वायबिलिटी अधिक होती है, न्यू वेराइटीज का निर्माण होता है। तो चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न संतान अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, इसलिए यह जो नेचर है, यह जो प्रकृति है, वो भी फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। क्लियर कि यह जो नेचर है, ये प्रकृति है, ये भी चाहती है कि पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया ही हो, सिर्फ पॉलिनेशन ना हो। और क्रॉस पॉलिनेशन की निश्चितता के लिए ऐसे प्लांट्स में अनेक विशेषताएं, या कहें कुछ एडाप्टेशंस पाए जाते हैं। पौधे कुछ जो हैं वो उपाय करते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, और उसी को हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर कि सिंस द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन आर बेटर, हेंस द नेचर फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। और उसकी निश्चितता के लिए आपने कहा कि प्लांट्स में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया ही होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है। क्या क्या, फर्स्ट आ जाए हम लोग डाइक्लाइनी या उसी को हम लोग कह देते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का निर्माण करते हैं, एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइक्लाइनस फ्लावर। हम इसे याद रखेंगे, द यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज आल्सो कॉल्ड एज डाइक्लाइनस फ्लावर। क्लियर, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का निर्माण करते हैं। तो आप करें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है तो आइदर वो मेल होगा या फीमेल होगा। यदि मेल फ्लावर है तो उसमें स्टैमेंस तो होंगे, कार्पेल उपस्थित नहीं होगा, और फीमेल फ्लावर है तो उसमें कार्पेल होगा, स्टिग्मा होगा, बट उसमें पॉलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं होगा। ये मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट पे उत्पन्न हो सकते हैं, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोएसियस प्लांट। क्लियर, व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट इट इज कॉल्ड मोनोएसियस प्लांट। जैसे आपने कहा था लाइक कुकुरबीटा गर्ड, कुकुम्बर गर्ड, लाइक आपका मेज, कास्टर, ये जो प्लांट्स हैं इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम ही प्लांट पे, एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं। क्लियर, सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोएसियस प्लांट। एंड सेकेंड वन डायोएसियस प्लांट, नाम से ही पता चलता है, डायमीन टू ओकायस मीन हाउस, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। तो व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू सेपरेट प्लांट्स, यदि मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स तो अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हों, सच प्लांट्स आर कॉल्ड डायोसियस प्लांट। लाइक आपने कहा था पपाया, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। लाइक पाम, मलबेरी, तूत सातूत जिसको कहते हैं हम लोग, इस
इससे पौधों में मेल प्लांट्स अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में चूंकि मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट हैं तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होंगी। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। अगर इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं वो केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का ही निर्माण करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, आइदर वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होंगी, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होंगी। ये एक एडाप्टेशन हो गया कि प्लांट्स ने जो है वो डेवलप किया इस कैरेक्टर को कि हम केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का निर्माण करेंगे और उसके कारण पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होगी। क्लियर? सेकेंड आ जाइए, सेल्फ स्टेरिलिटी। या इसी को कह देते हैं इनकंपैटिबिलिटी। ये टर्म याद रखना आप। कहते हैं कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर हैज नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यदि किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स यदि उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, अब मान लें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है हम देख रहे हैं, अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो देख रहे हैं आप इसमें एंथर्स भी हैं और यहाँ स्टिग्मा भी है। क्लियर? अब इसका पॉलन ग्रेन्स यदि स्वयं के स्टिग्मा पर जाएगा, सेल्फ मीन होता ही है स्वयं, तो वो स्टेराइल हो जाता है, फर्टाइल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर? कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे टी प्लांट, चाय का पौधा, मेनी ग्रासेस, बहुत सारे घास हैं, एंड पैशन फ्लावर, ए फ्यू स्पेसीज ऑफ पैशन फ्लावर, द बोटेनिकल नेम इज पैसीफ्लोरा, द बोटेनिकल नेम इज पैसीफ्लोरा। देन बहुत सारे पौधे हैं लाइक टी प्लांट, कुछ ग्रासेस हैं एंड सम स्पेसीज ऑफ पैसीफ्लोरा। उसमें क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल, तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है तो इसका पॉलन ग्रेन्स स्वयं के स्टिग्मा पर जा सकता है, लेकिन यदि किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है देन फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात वह जो पॉलन ग्रेन है वह स्टेराइल हो जाता है, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। अब यदि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा देन फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, फ्रूट और सीड का निर्माण हो जाएगा। किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आएगा देन फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है एंड फ्रूट एंड सीड का निर्माण हो जाता है। अर्थात ऐसे प्लांट्स में, ऐसे फ्लावर्स में भी हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन की ही क्रिया होगी, क्योंकि जैसे ही वो स्वयं के स्टिग्मा पर जाएगा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो वो स्टेराइल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, तो वो पॉलन ग्रेन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अर्थात कभी भी ऐसे प्लांट्स में, ऐसे फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, जब भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन की ही क्रिया होगी। थर्ड कंडीशन आप आ जाओ, द थर्ड वन इज डाइकोगैमी। डाइका एक शब्द है आप जानते हैं, ऐसे तो हम लोग कहते हैं डाई मीन टू, द रियल वर्ड इज डाइका, डाइका मीन टू, गैमॉस मीन मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, गैमॉस मीन मैरिज, कहते हैं कि व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। यदि किसी फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा दो भिन्न समयों में मैच्योर करता है द कंडीशन इज कॉल्ड डाइकोगैमी। नाम से ही पता चलता है डाई मीन टू, गैमॉस मीन मैरिज।
रिकॉल कीजिए आप सेल्फ पॉलिनेशन, वहाँ अपने कंडीशन का था कि द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम एंड द कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगैमी कंडीशन आवश्यक था, बट व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट टू डिफरेंट टाइम्स द कंडीशन इज कॉल्ड डाइकोगैमी। अब आप कह रहे हैं कि एंथर और स्टिग्मा दो भिन्न समयों में मैच्योर करते हैं, देन देयर आर टू कंडीशंस इन डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में भी दो कंडीशंस होते हैं, एक को हम लोग कह देते हैं प्रोटोगैमी, ये भी दो शब्दों से बना है, प्रोटॉस्मिन फर्स्ट एंड गाइनिमिन, बताया था आपको गाइनिमिन फीमेल। ये सब मीनिंग याद रखेंगे तो बहुत सारा टर्म, बहुत सारा डेफिनेशंस आप ऐसे ही समझ जाएंगे, नाम से ही पता चलता है प्रोटॉस्मिन फर्स्ट, यहीं से डिराइव किया गया है प्रोटोप्लाज्म। तो पहले मैच्योर करेगा कौन, फीमेल पार्ट अर्थात स्टिग्मा कार्पेल। तो कहते हैं कि व्हेन द कार्पेल्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स इयरलियर देन एंथर्स, यदि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसका स्टिग्मा इस एंथर्स की तुलना में पहले मैच्योर कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कह देते हैं क्या, प्रोटोगैनी। क्लियर, जैसे ये आपको मिलेगा लाइक फाइकस, फाइकस द बोटेनिकल नेम ऑफ पीपल, बनियान ट्री, फिग, अंजीर, है ना, केवल स्पेसीज डिफरेंट होता है, दैट इज पीपल को हम लोग कह देते हैं फाइकस रिलीजियोसा, बनियान ट्री है फाइकस बेंगालेंसिस, रबर ट्री है दैट इज फाइकस एलास्टिका, फिग अंजीर हम लोग खाते हैं दैट इज फाइकस सरीसा। तो जितने भी फाइकस हैं उसमें कंडीशन हमेशा होता है प्रोटोगैनी, लाइक फोरो क्लॉक प्लांट गार्डन में लगाते हैं हम लोग, फोरो क्लॉक प्लांट शाम में खिलती हैं, द बोटेनिकल नेम इज मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, या कस्टर्ड एप्पल, इन सबों में होता है प्रोटोगैनी कंडीशन। द सेकेंड वन इज प्रोटेंड्री, ये भी दो शब्दों से बना है, आप गौर कीजिए, प्रोटॉस्मिन आपने कहा फर्स्ट एंड एंड्रॉस फ्लावर मैंने बताया था एंड्रोस्मिन मेल। क्लियर, नाम से ही पता चलता है कि पहले मैच्योर करेगा कौन, मेल पार्ट, और मेल पार्ट होता है कौन, एंथर। तो व्हेन द एंथर्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर इयरलियर देन स्टिग्मा, यदि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर का एंथर्स जो है वो स्टिग्मा की तुलना में पहले मैच्योर कर जाता है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। क्लियर, अब इन दोनों कंडीशन में जरा आप गौर कीजिए, प्रोटोगैनी में आपने कहा कि स्टिग्मा पहले मैच्योर कर गया, अब स्टिग्मा तो ये मैच्योर कर गया बट अभी तक एंथर्स का निर्माण नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से किसी डिफरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आएगा। क्लियर, प्रोटेंड्री में आ जाए तो आपने कहा कि एंथर्स पहले मैच्योर कर जाएंगे, ये एंथर्स पहले मैच्योर कर गया बट अभी तक स्टिग्मा का निर्माण नहीं हुआ है, स्टिग्मा का निर्माण नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से यह जो पॉलन ग्रेन है वो किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऐसे फ्लावर्स में इन दोनों कंडीशन में कभी भी ऐसे पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक कॉटन, लेडीज फिंगर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड,
एटसेट्रा, क्लियर। कि इन दोनों कंडीशन में चूंकि दो भिन्न भिन्न समयों में मैच्योर कर रहे हैं, तो इन बोथ कंडीशंस ओनली क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन दिस फ्लावर्स दिस प्लांट्स, क्लियर। अब फोर्थ आ जाए हम लोग हेट्रोस्टाइली, द फोर्थ वन इज हेट्रोस्टाइली, वन मिनट प्लीज। द फोर्थ वन इज हेट्रोस्टाइली, ये भी दो शब्दों से बना है, हेट्रोमीन हेट्रोमीन डिफरेंट, हेट्रो शब्द जहां कभी आए समझे डिफरेंट। तो मैं फिगर बनाऊ आपको समझना आसान हो जाएगा। सपोज ये दो फ्लावर्स हैं, दिस इज कार्पेल, एंड दिस वन स्टैमेन। ये मेल पार्ट है स्टैमेन, दिस इज एंथर, क्लियर। अनदर फ्लावर इज दिस इज कार्पेल एंड this is a stamen, अब समझे हम लोग। कहते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं जिसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो भिन्न प्रकारों के फ्लावर्स पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर में क्या होता है कि कार्पेल लंबे होते हैं और उसके स्टैमेंस छोटे होते हैं, जबकि कुछ अन्य फ्लावर्स में क्या होते हैं कि उसके कार्पेल छोटे होते हैं और स्टैमेंस लंबे होते हैं। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, ये एंथर बस्ट करेगा, ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज होंगे, सीधा इसे स्टिग्मा पर फॉल करेगा, गिरेगा, क्लियर। लेकिन ऐसे फ्लावर्स में हमेशा सिमिलर लेंथ के स्टैमेंस और कार्पेल्स के बीच ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अगर यह जो पॉलन ग्रेन है इस स्टिग्मा पर आएगा, देन फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। अगर यह जो पॉलन ग्रेन है, इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकले, यदि इस स्टिग्मा पर आएगा, देन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, अर्थात फ्रूट एंड सीड का निर्माण हो जाता है। इस जो यहाँ जो स्टैमेंस है, इससे जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, अगर यह जो पॉलन ग्रेन्स है इस स्टिग्मा पर जाएगा, सिमिलर लेंथ का है, देन यहां पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, फ्रूट एंड सीड का निर्माण हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऐसे फ्लावर्स में भी हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया ही होगी, क्लियर। क्योंकि अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, डिफरेंट लेंथ का है, देन ये जेनेटिक्स है या सेल्फ स्टेरिलिटी आपने पढ़ा, वो स्टेराइल हो जाएगा, वहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होंगी। ऐसे फ्लावर्स में हमेशा समान लंबाई के सिमिलर लेंथ के स्टैमेंस और कार्पेल्स के बीच ही पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यदि किसी प्लांट में टू डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टैमेंस एंड कार्पेल्स हो, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, द कंडीशन इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली, क्लियर। कि व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टैमेंस एंड कार्पेल्स, द कंडीशन इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली। एंड कुछ प्लांट्स हैं ऑक्सेलिस, लाइनम, इन सबों में
तीन भिन्न लंबाई के स्टैमेंस एंड कार्पेल्स उपस्थित रहते हैं और उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं क्या, ट्राइमॉर्फिक हेटरोस्टाइली। क्लियर कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स द कंडीशन इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक हेटरोस्टाइली, एंड इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ थ्री डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स द कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइमॉर्फिक हेटरोस्टाइली। कंडीशन जो भी हो, डाइमॉर्फिक हो या ट्राइमॉर्फिक हो, ऐसे फ्लावर्स में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जैसा कि आप एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक ऑक्सेलिस दैट इज हटीबुटी, जिसे आपने कहा लाइनम, लाइनम बोटेनिकल नेम दैट इज लिनसीड। लिनसीड जानते हैं ना, वो वायल निकालते हैं हम लोग, तीसी कहते हैं हिंदी में। क्लियर, इन दोनों में ही ट्राइमॉर्फिक हेटरोस्टाइली मिलते हैं। क्लियर, तो यहाँ भी ऐसे कंडीशन में भी हमेशा ऐसे पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। क्लियर, नेक्स्ट आ जाए हम लोग नंबर 5, दैट इज हर्कोगैमी। आ जाओ हर्कोगैमी, समझे इधर, व्हेन एनी बैरियर स्टैंड्स इन बिटवीन स्टैमेंस एंड कार्पेल्स ऑफ द सेम फ्लावर। यदि कोई फ्लावर है, मान ली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहां स्टैमेंस हैं और ये कार्पेल्स हैं। क्लियर, कोई बीच में तो अवरोध नहीं है, रुकावट नहीं है, बैरियर नहीं है। बट व्हेन एनी बैरियर स्टैंड्स इन बिटवीन स्टैमेंस एंड कार्पेल्स ऑफ द सेम फ्लावर द कंडीशन इज कॉल्ड हर्कोगैमी। कुछ प्लांट्स हैं जैसे पैंसी, आयरिस, ये जो प्लांट्स हैं इसमें स्टैमेंस एंड कार्पेल्स के बीच हुड लाइक स्ट्रक्चर, कवर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें स्टेमेंस बाहर होते हैं, कार्पेल्स अंदर होते हैं, अथवा वाइस वर्सा। कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें स्टेमेंस और कार्पेल्स के बीच काफी दूरी पाई जाती है, काफी डिस्टेंस होता है, जिसमें स्टेमेंस एक्सर्टेड होता है, कार्पेल्स इंसर्टेड होता है, और वाइस वर्सा, इसका ठीक विपरीत उल्टा। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि हुड लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए कवर है, अब कार्पेल बाहर हैं, स्टैमेंस अंदर हैं, निश्चित रूप से किसी भिन्न फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आएगा। या कंडीशन रिवर्स कीजिए कि सपोज करें कि स्टैमेंस ही बाहर हैं और कार्पेल्स अंदर ढका हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जो कार्पेल है, इस स्टैमेंस इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो स्वयं के स्टिग्मा पर नहीं जाएगा, वो किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा जहाँ की कार्पेल्स बाहर हैं। क्लियर, कैलोट्रॉपिस आपने देखा होगा प्लांट, कैलोट्रॉपिस मदार, कॉमनली कॉल्ड मदार, हिंदी में अकवन इसको कह देते हैं, अकवन। तो कैलोट्रॉपिस में पॉलन ग्रेन्स एक मास में, एक समूह में पाया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड पॉलिनिया, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। 11 में भी पढ़े थे हम लोग कि कैलोट्रॉपिस में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वह एक मास में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक समूह में पाया जाता है, और पॉलन ग्रेन्स के उस समूह को हम लोग कह देते हैं पॉलिनिया। कैलोट्रॉपिस में क्या होता है कि वह जो पॉलिनिया है वो एडहेसिव डिस्क से चिपका रहता है और किसी इंसेक्ट द्वारा ही वो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। इसे हम लोग कह देते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। क्लियर कि कैलोट्रॉपिस में पॉलन ग्रेन्स समूह में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं पॉलिनिया, और उस पॉलिनिया को किसी इंसेक्ट द्वारा ही डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है,
एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। क्लियर। तो ये पांच कॉन्ट्रीवांसेस हो गए और ब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए कि जिसके कारण ऐसे फ्लावर्स में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है। आपने कंडीशन देखा है ना, उसके कारण हमेशा जब भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन की ही क्रिया होगी। क्लियर। अब आइए कुछ प्लांट्स हैं जिसमें स्पेशल मैकेनिज्म है और कंपटीशन में काफ़ी वो पूछा जाता है, लाइक पॉलिनेशन इन सेल्विया। एक प्लांट है सेल्विया, इसमें जो मैकेनिज्म है उसे हम लोग कह देते हैं लीवर मैकेनिज्म। समझना होगा, समझिए, याद ही हो जाएगा आपको। इसमें क्या होता है कि सेल्विया में, सेल्विया का जो फ्लावर है उसमें बाइलिप्ड कोरला होता है लाइक दिस, और उसके अंदर दो स्टैमेंस होते हैं। तो स्टैमेंस आप हम लोग पढ़े कि प्रत्येक जो स्टैमेन है उसके ऊपर होता है एंथर, दो लोब्स वाले होते हैं एंथर, बाइलोब्ड होते हैं जनरली। लेकिन सेल्विया में जो एंथर है उसके दोनों जो लोब्स हैं उसके बीच, आपने कहा था कि एंथर के बोथ लोब्स, दोनों लोब्स जो हैं कनेक्टिव द्वारा अटैच रहता है, तो इसका कनेक्टिव होता है काफी इलोंगेटेड। अब उसके जो एंथर के दोनों लोब्स हैं ऊपर का जो ये कनेक्टिव है पार्ट ये लंबा होता है, नीचे वाला ये छोटा, बिल्कुल यही कंडीशन है। और एंथर का जो अपर लोब होता है वो फर्टाइल होता है, बट जो नीचे का लोब होता है एंथर का वो स्टेराइल होता है। क्लियर। आपने कहा था कि इंसेक्ट आते हैं फ्लावर तक नेक्टर के लिए। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट बीज इसके अंदर आते हैं तो ये क्या होता है कि नीचे का लोब ये प्रेस होता है, तो ये लीवर लाइक, जैसे लीवर हम लोग कह देते हैं है ना कि वो लीवर काम करता है लाइक दिस। क्लियर। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो इधर आता है तो नीचे का लोब प्रेस हो जाता है और उसके कारण यह जो ऊपर का फर्टाइल एंथर था, तो एंथर बस्ट किया, वहाँ पॉलिनगेंस रहते हैं, वो उस जो बीज है उसके बैक में टच कर जाता है और पॉलन ग्रेन्स वहाँ उसके बैक में चिपक जाते हैं। सेल्विया का फ्लावर होता है प्रोटैंड्रस। अभी आपने कंडीशन पढ़ा प्रोटैंड्री कि एंथर पहले मैच्योर करेगा और गाइनोसियम स्टिग्मा बाद में मैच्योर करेगा, तब तो वो जो इंसेक्ट है उसके बैक में वो पॉलन ग्रेन्स चिपक गए। अब यदि वो इंसेक्ट फिर दूसरे फ्लावर तक जाएगा नेक्टर के लिए और उसका स्टिग्मा भी इसी तरह से इलांगेटेड होता है, ठीक है, जैसे किसी वैसा फ्लावर जिसका कि कार्पेल मैच्योर कर चुका है वहाँ तक वो जाते हैं तो उसके बैक से वो टच करता है जिसके कारण वह जो पॉलन ग्रेन है वो उस स्टिग्मा में चिपक जाता है। क्लियर। दिस इज कॉल्ड लीवर मैकेनिज्म। हमेशा याद रखिएगा कि सेल्विया में पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग कह देते हैं लीवर मैकेनिज्म। दूसरा प्लांट है यक्का। एक दूसरा प्लांट है इंटरेस्टिंग यक्का, यक्का एल्वाइफोलिया। यक्का में क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है प्रोन्यूबा मॉथ द्वारा। एक मॉथ है जिसका नाम है प्रोन्यूबा। इसमें होता है क्या है कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं, तो यह प्रोन्यूबा मॉथ क्या करता है कि सपोज कीजिए ये कार्पेल है, नीचे ओवरी है, उसको वो पेनेट्रेट करता है, वो प्रवेश कर जाता है ओवरी के अंदर और उसका ओवरी जो है वो प्रोन्यूबा मॉथ के एग के इंक्यूबेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए वह कंडीशन फेवरेबल होता है। तो वह प्रोन्यूबा मॉथ जो है वो स्टिग्मा को पेनेट्रेट करता है, स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ वो एग लेइंग कर लेते हैं, अंडे वहाँ दे देते हैं और पुनः वो बाहर निकलता है प्रोन्यूबा मॉथ। और डिफरेंट फ्लावर, वेरियस फ्लावर्स वहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं उसी का, यक्का का ही, और उसको वो कलेक्ट करते हैं और उस पॉलन बॉल को, ये जो पोर हुआ, छिद्र हुआ, उसमें वो जाकर इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर। तो ये सिम्बायोसिस हो गया।
इसमें दोनों ही को लाभ हो गया। प्रोनिबा को फायदा क्या हो गया कि उसका एक का इंक्यूबेशन हो गया, सुरक्षा हो गई उनकी, और जब वो लार्वा बनते हैं तो वो लार्वे उसके कुछ सीड्स को खाते हैं, बाकी के जो सीड्स बच जाते हैं उसी से उनका प्रोपेगेशन होता है। तो यक्का को लाभ हो गया कि ये यक्का प्लांट में पॉलिनेशन की क्रिया होगी, वो डिफरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन लाया और उसके स्टाइल के अंदर वो प्रवेश करा देते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन यक्का एंड प्रोनिबा मॉथ। दूसरा एक है फिग। फिग हम लोग पढ़े थे इन्फ्लोरेसेंस में, याद कीजिए कि फिग में जो होता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें तीन प्रकारों के फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स एंड गॉल फ्लावर्स। इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है एक इंसेक्ट द्वारा, दैट इज ब्लास्टोफैगा। हमेशा याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि फिग में पॉलिनेशन की क्रिया एक इंसेक्ट द्वारा होती है, दैट इज ब्लास्टोफैगा। एक्चुअली ब्लास्टोफैगा वो जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है उसका जो हॉलो रिसेप्टिकल है, खोखले होते हैं, आपने देखा होगा फिग में भी बीच में हॉलो होता है, वो पीस कटा होता है जो मार्केट में मिलता है, ऐसे आपने देखा होगा ये बनियान का या किसी का फिग का वो फ्रूट, तो वो हॉलो रिसेप्टिकल होते हैं और उसी के अंदर तीन प्रकारों के फ्लावर्स होते हैं, 11 में हम लोग पढ़े हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो यह जो ब्लास्टोफैगा है वो जाकर एग्स देते हैं उसी हॉलो कैविटी में, और उसके जो लार्वे हैं वो खाते हैं किसको, गॉल फ्लावर्स को, क्लियर। तो यह भी एक विशेष मैकेनिज्म है, हमेशा सिर्फ यही आप याद रखेंगे कंपटीशन के लिए कि फिग में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है किसके द्वारा, ब्लास्टोफैगा द्वारा, क्लियर। अब आ जाइए ऑर्किड, एक ऑर्किड है ऑर्फिस, ऑर्किड है ऑर्फिस। ऑर्फिस में होता है मिमिक्री मैकेनिज्म, मिमिक्री में नकल करना, मिमिक्री में किसी की नकल करना। होता क्या है कि यह जो ऑर्किड है ऑर्फिस, नाम लिख देते हैं हम ऑर्फिस, ऑर्फिस जो है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल एक फीमेल मॉथ की तरह, मॉथ तो आप जानते हैं वैस्प है, एक काल्पा, उसका जूलॉजिकल नेम काल्पा, एक वैस्प है, जूलॉजिकल नेम इज काल्पा। ये जो वैस्प है ठीक है, इसकी जो फीमेल होती हैं, तो यह जो ऑर्किड है ऑर्फिस इसकी फ्लावर्स होते हैं बिल्कुल फीमेल वैस्प की तरह, और मेल वैस्प जो है ये दिस इज मिमिक्री, ये नकल हो गई उसकी। तो यह जो वैस्प है वो जो फ्लावर है उसको वो समझ लेता है फीमेल और कॉप्यूलेशन के लिए जाता है, जिसके कारण की पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, क्लियर। तो ये कुछ विशेष मैकेनिज्म है कुछ प्लांट्स में, इसको याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है, और रेफ्लेसिया का मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, दैट्स ऑल पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्लांट्स का, फर्टिलाइजेशन के लिए आप रिवीजन उस लेक्चर को खोलने से पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक मैंने पढ़ाया था आपको, उसको थोड़ा रिवाइज कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन आपको समझने में आसानी होगी, क्लियर। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी बुक्स का पेज जो मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ वो दिया हुआ है, और प्लीज़ 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 शरण्स बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतने ही अधिक उत्साह से मैं आपको पढ़ाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल भी दूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लोग जो कोटा दिल्ली जाते हैं, मेरे स्टूडेंट जाते हैं फिर लौट कर आते हैं और बायो मुझसे ही पढ़ते हैं, तो कोटा दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप जो कोटा दिल्ली गए हैं उनको जरा दिखाइए ये लेक्चर,
फिर वो कहेंगे कि हाँ, और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ भी जाकर पूरा का पूरा वो जवाब देते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ, कहाँ से तू पढ़ कर आया। इसलिए मेहनत करो, बायो के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, शरण सर आपके साथ हैं, बायो में क्वेश्चन छूटने की बात ही नहीं है। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।